पाइपिंग्स है, इसका हम लोग एनपीए करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उसमें फील किया इतना बड़ा है कि फील पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या छोटा छोटे छोटे ऐसे बोल्स होंगे, हाँ, या छोटा कुछ पिंस होता है, स्पेशली जहाँ पे टर्बाइन का काम चल रहा है या पावर जनरेटर्स है या फिर न्यूक्लियर का जॉब है, तो वहाँ पे रेसिडुअल फील इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। वाई रेसिडुअल फील? अब ये इसमें फील जनरेट फील होगा, जैसे मैं बोला था सर्कुलर फील्ड है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज पोल फॉर्मेशन नहीं है। अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल फील्ड रह गया है तो ये पार्ट है जो कहीं भी जाके लगेगा तो उसका फील्ड क्या कर सकता है, उसके बाजू में कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उसको इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए रेसिडुअल फील्ड इन सम केसेस आपको क्रिटिकल होता है। तो वहाँ पे इसलिए जो रेसिडुअल फील्ड को निकालना है, मतलब ये एक तरह से मैग्नेट बन चुके हैं। हाँ, आपने पहले इसको मैग्नेटाइज किया, ये मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेटाइजेशन का उल्टा क्या आएगा? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब डीमैग्नेटाइज कर देगा, मतलब इसमें जो अभी फील्ड है जो मैग्नेटिज्म है उसको निकाल लेगा। तो अभी सबसे पहला ये है, अब जैसे ये मेरा टेस्ट पार्ट है जो मैग्नेटाइज हो चुका है, लेकिन पहला पहला मेरे को ये देखना पड़ेगा कि रियली में मैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप कैसे चेक करोगे? देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा कि फील्ड है। उसके लिए एक मीटर आता है छोटा सा जिसको बोलते हैं गॉस मीटर, डायल गेज जैसा रहेगा, मतलब पहले तो डायल गेज जब एनालॉग मीटर था इसमें ऐसा रीडिंग आएगा, इधर जीरो, इधर प्लस, इधर माइनस, रीडिंग आएगा, फिर से आ रहा है। तो जो नीडल जो जीरो में रहता है इसका यूनिट है गॉस। तो ये जब हम लोग गॉस मीटर इसके नजदीक लेके जाएंगे तो ये कुछ रीडिंग बताएगा, और रीडिंग दिखाने का मतलब है कि उसमें मैग्नेटाइजेशन बाकी है। तो एएसएमए में भी उसका लिमिट भी है कि अगर कितना रीडिंग तक आए तो जीरो होना चाहिए, बट अगर आप जीरो नहीं ला सकते हो सो प्लस और माइनस फाइव गॉस, मतलब इसमें रीडिंग रहेगा, ये रीडिंग पूरा प्लस में, रीडिंग पूरा माइनस में, तो इट शुड बी बिटवीन प्लस और माइनस फाइव गॉस। तो आप इधर नजदीक लेके जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा रख के देख सकते हैं, इसमें कुछ कनेक्टर कुछ नहीं है, इससे मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलता है, तो अपने फील्ड पे इफेक्ट कर रहा है। तो एक बार देख लिया कि प्लस और माइनस फाइव गॉस से ज्यादा आ रहा है तो मतलब आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना है। तो डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे? तो इसमें दो तीन मेथड है, एक तो होता है कि ऊपर से फेंकने का, दो तीन बार नीचे गिराने का, तो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। लेकिन अभी ये प्रसिशन पार्ट है, मैं उसको गिराऊंगा क्या? नहीं, गिराएगा तो डैमेज हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। और एक होता है हीटिंग, हीट करने का, हीट वो कितना हीट करने का, आपको क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी क्यूरी यानी कि यूनिट है, वो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर का, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब है कि वो टेम्परेचर जो मैग्नेटिक डोमेन मैंने बताया था, मतलब इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, तो क्यूरी टेम्परेचर तक अगर आप हीट करोगे तो डोमेन अपने आप कोलैप्स हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बट हीटिंग भी तो अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हीटिंग उसका मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, हार्डनेस बढ़ा सकता है, तो क्यूरी टेम्परेचर भी एक बेटर ऑप्शन नहीं है।
सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है डीमैग्नेटाइजिंग कॉइल. व्हाट इज अ डीमैग्नेटाइजिंग कॉइल? सिंपल, एक कॉइल है जो कॉइल शॉप में मैंने बताया था ना, वैसे कॉइल है. दिस इज कनेक्टेड टू अ डीमैग्नेटाइजिंग, दिस इज कनेक्टेड टू डीमैग्नेटाइजिंग यूनिट. इसका काम क्या है? ये एक्चुअली एसी सप्लाई है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई. हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई ये कॉन्स्टेंटली करंट कम ज्यादा करता है. वो एसी जैसे आपको मालूम है इट्स ऑल्टरनेट्स बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, और वोल्टेज भी वैरी होता है. तो इसमें क्या होगा, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड भी कंटिन्यूअसली वैरी होता है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है. तो जब ये हम लोग अपना जो टेस्ट पार्ट है उसको तीन चार बार कॉइल के अंदर से डाल डाल के निकाल लेंगे, मतलब पास करो. तो जब दो तीन बार पास कर दिया तो उसका फील्ड अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है. फिर से मेशर करो, अगर प्लस माइनस फाइव उसके अंदर है तो इसको एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एसी एसी करंट. और एक आता है रिवर्सिंग डीसी. रिवर्सिंग डीसी में है ना, अगर आप डीसी में कर रहे हो तो पहले आपने ये डायरेक्शन में करंट दिया था, उसको बाद में ऑपोजिट साइड में करंट दिया. तो पहला जो फील्ड बना था ऑपोजिशन फील्ड है, कोलैप्स हो जाता है. सो सेकंड टेक्निक इज रिवर्सिंग डीसी, फर्स्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट. या फिर थर्ड और एक आता है जिसको वही रिवर्सिंग एंड वेरी रिवर्सिंग है ना, रिवर्स कर रहे करंट, वेरी है ना करंट को कॉन्स्टेंटली कम ज्यादा कर. तो उसमें क्या करते हैं, उसमें दो मेथड है, मतलब एक आदमी क्या करेगा करंट कम ज्यादा करता है और एक आदमी कॉन्स्टेंटली उसको रोटेट करता है, ठीक है. तो ये डीमैग्नेटाइजेशन टेक्निक है इसमें. और एक जुगाड़ू हम लोग क्या करते हैं, अभी डीमैग्नेटाइजेशन कॉइल तो हाथ में लगता नहीं है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, वही ब्रॉड मशीन में लगा देते हैं. अभी ब्रॉड मशीन में करंट कम ज्यादा करूंगा तो हो सकता है मेरा ब्रॉड जल जाए मशीन, अगर कॉइल जल जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब को कॉन्स्टेंटली ऐसा आगे पीछे करते हैं. तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टेंट आप मूव करने से भी उसको वेरिंग फील मिल जाती है, जिस वेरिंग डिसीज को मिल जाता है, और स्लोली स्लोली वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. फिर आप गॉस मीटर से चेक कीजिए, प्लस माइनस फाइव गॉस के अंदर आता है, मामला खत्म, ठीक है. तो डीमैग्नेटाइजेशन मोस्टली कहीं यूज नहीं होता है, बट क्या हो जाता है, अगर कहीं भी आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको एटलीस्ट मालूम है कि मैं क्या कर सकता. तो अगर आप ऐसे कॉइल है तो आप कर सकते हैं, अगर कॉइल नहीं है अभी नेचुरली वही है, कॉइल तो कहीं मिलेगा नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम एकदम देसी टेक्निक, योग जो है योग को ऐसे टच करके रखते हैं. योग का दोनों लग टच कर लो, कॉइल बन जाएगा, उसमें से जॉब को धीरे धीरे पास कर. एसी मोड में रख के जब हम उसको थोड़ा थोड़ा जल्दी थोड़ा स्पीड में पास करेंगे ना तो अपने हो जाएगा.